दोस्तों, वेलकम टू। कैसा लगा मेरा मजाक? सर बनता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरम रेज डायरेक्टर। तो आज मैं आया इधर धान खेत में, तो धान खेत में यूरिया सार देता है, तो यूरिया सार देने से ये धान जल्दी बढ़ता है और धान भी आता है। तो चलिए दोस्तों, तो आज कैसे सार देता है यूरिया तो दिखाती हूँ आपको। तो पहले आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन बजा के मेरा साथ ही रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कैसे सार देता है। तो ऐसा ऐसा देना पड़ता है। वाह, बहुत मजा आता है इसमें। मेरा फर्स्ट टाइम खेत में यूरिया दे रहा हूँ अभी। मेरा लाइफ में फर्स्ट दे रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, आप लोग का अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको। धान खेत में ऐसा सार देना पड़ता है, तो ऐसा सार देने से धान ज़्यादा फटाफट बढ़ता है और ये आता है। जैसे धान आ रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये, लेकिन इसमें फिर क्या है बाद में, और पूरा ऐसा आने के बाद इसमें दवा देना पड़ता है, फिर मेडिसिन क्या जैसा। ट्रैक्टर जा रहे हैं, कौन सा भी खेत में जा रहे हैं। तो इधर भी और अच्छा है ये, अभी फिर ये कौन सा, इसका नाम क्या है मालूम नहीं है। ये भी देखने में भी बहुत अच्छा है, ये खेत पूरा बहुत लगाया है इधर। तो इधर आपको और इसी तरफ में और दूसरा टाइप का है, तो इसका नाम भी आप लोग कमेंट में बताइए इसका नाम क्या है। ये ऐसा है, देखने में भी बहुत मस्त है। तो थोड़ा आगे जाता हूँ और तो थोड़ा हो गया और आधा बाकी है, तो आधा और थोड़ा स्पीड देता हूँ, स्पीड देके ख़त्म करता हूँ क्योंकि अभी बारिश आने का टाइम है, बारिश आ सकता है। तो बारिश आएगा तो उसी टाइम पे यूरिया से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज हो गया, आज यूरिया दे दिया, तो फिर 10-15 दिन बाद आएंगे, तो 10-15 दिन बाद ऐसा धान आ रहा है तो इसमें फिर मेडिसिन देना पड़ता है, जैसे जहर देना पड़ता है। ये बहुत कीड़ा है इसमें, तो कीड़ा नहीं तो खा के जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद भी और बहुत काम है, धान काटना पड़ता है, काट के फिर घर में लेना पड़ेगा, लेने के बाद चावल निकलना पड़ेगा, चावल निकल गया और बहुत प्रॉब्लम है। तो बाद में भी इसमें से चावल आएगा, बाद में खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी भी और बहुत बाकी है, आज इतना तक ही ख़त्म करता हूँ। तो बाय।